So guys, check this out. So hey guys, welcome back to my channel with a new and interesting vlog. तो ये day 2 ही है, सुबह एक पार्ट किया, अभी हम लोग एक पार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी का जो पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. हम कहाँ जा रहे हैं ब्रो? क्या देखने को? क्या देखने को? टार्जन. तो चलो आज का इवनिंग राइड अपना एडवेंचर है. माउंट है ना, इसको डालते हैं अपना मैप. फिट होएगा उसमें? ये खड़ा करो ना उसको. हाँ मतलब फिट कर उसको. क्या है, फोल्ड डबल है ना. सो लेट्स गो गाइस टू चेक आउट द टार्जन, जिसको अभी जस्ट रिबिल्ड किया है. बॉम्बे में घूम रहे हो तो एक बात मन में रखो कि ट्रैफिक सिग्नल को तो रुकना ही है. एक ट्रैफिक सिग्नल मतलब कम से कम दो, डेढ़ से दो मिनट. तो गाइस ऐसा है ना कि कल है KTM RC कप और हम लोग वहाँ पर भगाने वाले हैं KTM RC 390 जो नया वाला है. तो इसी के लिए हम लोग आज अपना वार्म अप राउंड भी हो गया. और यहाँ पर क्या चल रहा है, लार्जेस्ट अंडर वाटर फिस्ट, क्या है, टनल एक्सपो है क्या, क्या चल रहा है यहाँ पर? मतलब यहाँ पर टनल है? हाँ, बाकी फिश सब रहेगा. ऐसा है क्या? ओह माय गॉड. ओहो ट्रैफिक गाइस. अपने को अभी 25 किलोमीटर में से अप्रॉक्सीमेटली 13-14 किलोमीटर कवर अप हुआ है इन 30 मिनट्स. मतलब सोचो जो काम, मतलब हम 25 किलोमीटर्स को गोवा में अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मिनट के अंदर, उससे ज़्यादा में कवर करते हैं यहाँ पर डबल टाइम. अरे 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 लगा लगा, जस्ट मिस्ड. ओ दादा चला. भाई ये मास्क वाला तो खतरनाक चला रहा है, इसको पूछना ही पड़ेगा कि इसका राज क्या है. अच्छा है भाई, सुपर. सुपर. अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस टूवर्ड्स नवी मुंबई, क्योंकि अपनी जो बचपन की यादें हैं, बचपन का प्यार है, वो वहीं पे है. आई डोंट नो इफ आई, मतलब मेरे को शूट करने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि वो एक गैरेज में है और वो जो कार है हम लोग देखने जा रहे हैं वो किसी ने ओन किया है. सो लेट्स सी. सो लेफ्ट अराउंड 4.4 किलोमीटर्स बाकी है गाइस, यहाँ पर 9 मिनट्स. पैसा कहाँ पर है इसका वर्कशॉप? यही है क्या? कहाँ पर है यार इसका वर्कशॉप? ऑटो इंजीनियरिंग ऐसा कुछ तो रहेगा. देखो हमारे ऊपर डालता था. भाई इधर वो गाड़ियां मॉडिफाई होती है, वो किधर, वो गाड़ियों का वर्कशॉप है. देखो गैरेज गैरेज गैरेज. हाँ हाँ यही है यही है. YouTube पर आओगे बेटे आप लोग?
है मोबाइल तो निकाल लो, सब्सक्राइबर तो बढ़वा देते हैं। कौन दो यूट्यूब, अभी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब सबसे करवाने का है कि नहीं? मान लो सब्सक्राइब पर घंटा भी दबा दो। इंस्टाग्राम पर भी सेम नाम है, इसको दो, इसको भी मारने दो, तब तक हम आते हैं ज़रा दो मिनट में। इधर ही अपना टार्जन है, टार्जन द वंडर कार। आप ही हो क्या? आप जा रहे हो अंदर? इधर ही है, जगह नहीं है निकलने। So guys, check this out, क्या अपने सामने है। So guys, फिलहाल हम लोग थे इंटरनेशनल ऑटो एंड इंजीनियरिंग वर्क्स पे और फर्स्ट ऑफ ऑल मिला देते हैं यहाँ के मेन मतलब जादूगर जो गाड़ियों को ट्यून मतलब कस्टमाइजेशन कर देता है। एक गाड़ी है जो मैं ऑफिशियली नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हर एक बंदे का मतलब हर एक बचपन का मतलब बंदे का बचपन का प्यार है। देखो जब हम बच्चे थे और सबसे पहले गाड़ियों का कौन सा पिक्चर आया था अपना टार्जन द वंडर कार, तो भाई उसको मतलब अजय देवगन तो लेके मर गया उसको, लेकिन भाई उसको रिबिल्ड कर रहा है। तो भाई आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दो कि टार्जन बनाते बनाते क्या एक्सपीरियंस था। टार्जन ऐसी गाड़ी है जिसका हर एक पर्सन का ड्रीम है, उसको टच करना, फील करना, एक अलग ही फीलिंग है, और वो आप खुद बना रहे हो। तो सर बता दीजिए इस गाड़ी के बारे में भी। ये डेबू सीएलओ है, हाँ। नासिक से आई थी बनने के लिए, हाँ। इसका इंजन पूरा ओवरऑल किया हुआ है। अच्छा, ये पूरी पेंटिंग होके तैयार है। कितने पुरानी गाड़ी है ये? ये 90s की गाड़ी है। क्या बात कर रहे हो भाई, बहुत खतरनाक बनी है। तो गाइस किसी को भी समझो अपना कार का मॉडिफिकेशन करना है तो भाई का पेज मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इंस्टा पर भी है जिस पे आप चेकआउट कर सकते हो कि कितने कितने पुराने कार्स है यहाँ पर। फिर आगे एम्बेसडर है, फिर पद्मिनी भी खड़ी है और मेन तो पता ही है टार्जन भी खड़ी है यहाँ पर। तो बना देते हैं, कुछ भी लाओ और बस डिमांड करो कि ये चाहिए, मैक्सिमम हो पाएगा है कि नहीं सर? और रिजनेबल रेट्स पे, ये नहीं कि बाकी की तरह हाई फाई रेट्स है, बहुत ही रिजनेबल रहेगा आपको। अरे बच्चा पार्टी क्या बोलती पब्लिक? अरे सब्सक्राइबर चलते हो रे भाई, इसको चॉकलेट आराम से अरे हाथ में चलो बाय 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 कि बहुत सारे बच्चों ने अपने को घेर लिया था और मेरा नसीब दो टाइप से है कि रुको हाँ एक सेकंड पहले टर्न मार लूँ। हाँ तो कैसा हुआ कि मेरा गोप्रो ही बंद पड़ गया। क्या रे गोप्रो क्या करता है तू? गोप्रो वाला मेरे को चलो एक गिफ्ट भेज दो नया वाला गोप्रो। और सेकेंडली एक अच्छा चीज़ था कि तभी हमने इंस्टा लगा दिया और भाई को हमने अपना मोबाइल दे दिया तो भाई क्रेजी था। तो गाइस टार्जन द वंडर कार को ना देख के इतना सुकून मिला ना कि मतलब बचपन के सारे यादें ताज़े हो गए। जो हम लोग देखते थे ना वो पानी में डूब जाता है फिर निकाल के रिस्टोर करता है,
तो उसी तरह इस भाई ने भी रिस्टोर किया है, बहुत सही किया है। जो एक्चुअली में उसका इंजन क्या है, फिर मतलब कहाँ कौन सा पार्ट लगा है, ईच एंड एवरी पार्ट भाई ने अपने को दिखाया। फिर क्या क्या अल्टरेशंस वो उसने किया है, पेंटिंग अभी नया किया है, तो भाई A1 है। लेकिन एक बात याद रखो गाइस कि जो अपनी टारजन गाड़ी है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है एंड इट इज़ नॉट फॉर सेल। सो उस गैरेज वाले को प्लीज़ कॉन्टेक्ट मत करो ऐसे चिंदी चिंदी बातों के लिए। इट इज़ नॉट फॉर सेल, वो कम्प्लीटली रिबिल्ड हो चुकी है, कुछ काम माइनर काम बाकी है वो भी होके इट विल बी इन मार्केट। मतलब चलाने के लिए वो ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि रोड लीगल नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग सम ऑफ द लीगल पिक्चर्स लीगली। आज तो हमने जस्ट देखा है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। अरे भाई क्या हुआ, बंद पड़ गया लगता है वो बीच पहाड़ पे। ओह माय गॉड, क्राउड भाई कितना किलोमीटर है, अभी भी 15 किलोमीटर बाकी है, मतलब बस हमने 10 किलोमीटर ही किया है अभी तक। तो जैसे बॉम्बे आए और वड़ा पाव खाया नहीं तो क्या मतलब है, तो भाई अपने को लेकर आया है वड़ा पाव खाने को, गर्मा गर्म वड़ा पाव है। देखो गाइस भाई क्रेजी है, अभी जस्ट हमने गन्ने का जूस पिया, खाएंगे फिर निकलेंगे। सो गाइस फाइनली आज का वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। इसी तरह अपने को सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही हम लोग आप लोगों के बीच अपनी मतलब एक्सपीरियंसेस बांटते रहेंगे। समझो आपका सपोर्ट आता है उतना, तो उतना ज़्यादा अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा।